जी, आपका परिचय? मैं जितेंद्र विज। जितेंद्र जी, एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक शख्स जो है हाथ में रिवॉल्वर लेकर खड़े हैं, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि आज के दिन मेरा बर्थडे है, तो मैं कल रात को किसी फंक्शन में गया हुआ था गजानिया, तो वहाँ से मेरे को फोन आया कि आपके लिए बर्थडे केक मंगवा रखा है, तो केक काटना है। तो केक काटने के लिए मैं रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के वहाँ तकरीबन वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे केक मंगवा रखा था मेरे दोस्तों ने, तो वहाँ पे मैं भी इनवाइट था। किसी की डीजे नाइट थी, शादी थी किसी की, लड़की की शादी थी, तो वहाँ मैं भी इनवाइट था। तो मेरे दोस्तों ने वहाँ पे केक मंगवा रखा था मेरे, तो मेरी गुड़िया मेरे साथ थी, मेरी मैडम भी थी, मेरी बड़ी गुड़िया भी थी, वो बाहर गाड़ी में थे, और मैं अपनी छोटी गुड़िया के साथ केक काटने के लिए वहाँ पे गया। तो वो उनके हाथ में लाइटर था, मेरा फ्रेंड है अंकुर नागपाल जी, उनके हाथ में लाइटर था, तो वो तो वो लोगों ने बना दिया कि ये गन फहरा रहे हैं, बर्थडे इस तरीके से मना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो वो वेपन नहीं था? वेपन नहीं था। क्या था वो? लाइटर था, लाइटर गन नहीं। तो उसी से ही केक की कैंडल्स जलाई थी? नहीं, हाँ जी, केक की कैंडल उसी से ही जलाई थी। है वो वीडियो आपके पास जलाते हुए? तो नहीं है, हो भी तो किसी के पास हो तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो बार बार ये फैलाया जा रहा है कि भाजपा नेता हैं वो, और उनके द्वारा करने के चक्कर में फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अराजकता फैलाई जा रही है, वेपन ऐसे पब्लिक प्लेस पर दिखाना आप जायज मानते हैं? मतलब अगर कुछ भी हो, नहीं मानते बिल्कुल। हम, मेरी बात सुनो, आप मेरे बारे में पूछो, जैसे हम सोशल में जैसे लोगों की सेवा के लिए आगे पीछे ऑक्सीजन बांटी थी, तो सारे हर काम के लिए हम आगे आते हैं, तो ऐसा है, वो बदनाम करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, फिर भी पब्लिक किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, कुछ भी बोलते हैं। आपके पास अभी लाइटर है वो? हाँ, वो उन्हीं के पास होगा ना जिनके हाथ में था। ठीक है।